यूट्यूब शॉर्ट्स, तो आजकल सब लोग यूट्यूब शॉर्ट्स बना रहे हैं और चाहते हैं कि उसका चैनल जल्दी से मोनेटाइज हो जाए। उसके लिए आपको जो भी सब्सक्राइबर मिल रहे हैं वो तो बहुत ही जल्दी गेन होंगे यूट्यूब शॉर्ट्स से। डेफिनेटली वो इट इज़ वेरी क्विक, क्योंकि आपको वो 1000 सब्सक्राइबर का जो क्राइटेरिया है वो डेफिनेटली अचीव हो जाएगा। अभी बचे बाकी के दो क्राइटेरिया, जो कि पहला क्राइटेरिया है जिसमें आपको 3 मिलियन व्यूज़ अचीव करने हैं या फिर 10 मिलियन व्यूज़ अचीव करने हैं। तो मैं कंसिडर करूँगा 10 मिलियन व्यूज़, क्योंकि 3 मिलियन व्यूज़ पे आपका सभी जो फंक्शनलिटी है जो वो इनेबल नहीं होती, एड रेवेन्यू जनरेट नहीं होती है। तो और उसका जो क्राइटेरिया है वो यू नीड टू अचीव इन लास्ट 90 डेज़, तो 3 मंथ जो लास्ट है उस वही कंसिडर होंगे, ठीक है, ये क्राइटेरिया अचीव करने के लिए। तो लास्ट 3 मंथ्स में यू नीड टू गेट 3 मिलियन व्यूज़। तो कंसिडर अ फर्स्ट केस, ओके। इन द फर्स्ट केस में हम देखते हैं कि अगर आपके पर डे जो कि 1K व्यू पर वीडियो, वो बहुत ही इजी है अचीव करने के लिए। अगर आपका वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा है तो 1K 2K व्यू आपको इजीली मिल जाते हैं। तो अगर इस क्राइटेरिया से अगर आप जाते हो तो आपको कितने वीडियो अपलोड करने चाहिए और कितने वीडियो इधर उतने वीडियो सफिशेंट होंगे या नहीं होंगे वो हम देखेंगे। तो पहला क्राइटेरिया, जैसे कि 1 वीडियो आप अपलोड करते हो उसमें 1K व्यू ही आ रहा है, ठीक है। तो और कंसिडर करते हो आप ऐसे 10 वीडियो अपलोड कर रहे हो, ठीक है। सो 1K मल्टीप्लाइड बाई 10 मीन्स 10K पर, लेट्स से पर डे। सो 10K पर डे मल्टीप्लाइड बाई 10, लेट्स कंसिडर फॉर 10 डेज, सो इट इज़ 100K। एंड इफ यू कंसिडर फॉर अ मंथ देन इट इज़ 300K, ओके। एंड इफ यू मल्टीप्लाइड बाई फॉर अगेन 3 देन इट इज़ 900K। सो यू आर स्टिल नॉट एबल टू अचीव 1 मिलियन विद दिस, ओके। सो इट इज़ नॉट वर्किंग एज एक्सपेक्टेड। नाउ लेट्स कंसिडर अ केस, यू आर मेकिंग समवट गुड वीडियो एंड आप पर वीडियो 10K व्यूज अचीव कर रहे हो। सो इन दिस केस अगेन कंसिडर अ 10 वीडियो पर डे, ओके। सो यू नीड टू बी कंसिस्टेंस, बट लेट्स कंसिडर दिस केस एज वेल। सो 10K व्यूज़ पर वीडियो मल्टीप्लाइड बाई 10 मीन्स 100K इन अ डे। सो इफ़ यू डू दिस फॉर 10 डेज, सो अगर आप 10 दिन तक ये करते हो कंटिन्यूसली, तो आपके 100K मल्टीप्लाइड बाई 10 मीन्स 1 मिलियन इन अ 10 डेज। देन बेसिकली इन अ 1 मंथ इट इज़ 3 मिलियन, ओके। एंड अगेन फॉर द 3 मंथ्स इट इज़ 9 मिलियन। सो यू आर समवट नियर इन दिस केस, राइट। सो नाउ आइदर, सो यू नीड टू कंसिडर द केस, सो विद द 10, सो यू नीड टू एडजस्ट नाउ। सो यू इफ यू आर एबल टू अपलोड 10 वीडियोज़ पर डे देन यू नीड टू गेट 10K व्यूज। बट लेट्स से इफ यू आर अपलोडिंग ओनली 5 वीडियोज़ देन इट द योर व्यू शुड बी डबल, बेसिकली 20K यू शुड गेट इट, ओके। एंड इफ यू आर लेट्स से नॉट एबल टू अपलोड 5 वीडियोज़ एज वेल, एंड इफ यू आर अपलोडिंग ओनली लेट्स से वेरी लेस, देन अगेन इट द योर क्राइटेरिया विल इंक्रीज। बट कंसिडर अ केस, सो इफ यू आर गेटिंग 20 to 25K व्यूज पर डे, ओके, देन इट इज गोइंग टू यू यू विल बी एबल टू अचीव, बिकॉज आई थिंक 5 to इट्स अराउंड 25Ks विथ 5 वीडियोज, ओके, विथ विच विल मेक यू थ्रू फॉर द यूट्यूब शॉर्ट्स। सो यू नीड टू कंसिडर दिस, यू नीड टू बी रियली रियलिस्टिक इन दिस केस। आपको देखना पड़ेगा कि आप 5 वीडियो, इट इज़ ईजी, 5 वीडियो अपलोड करना ईजी है, और आपका जो क्राइटेरिया जैसे 20K और 25K व्यूज़ भी आना चाहिए, तभी ही आप शॉर्ट यूट्यूब शॉर्ट्स में डस्ट कर पाओगे, ठीक है। तो आपको ये एनालिसिस करना है, और ऑन द बेसिस दैट अगर आपको लग रहा है कि आपके व्यूज़ कम आ रहे हैं तो आपको वीडियोस ज़्यादा अपलोड करने पड़ेंगे, ठीक है, तभी ही आप जो भी यूट्यूब शॉर्ट्स का जो क्राइटेरिया वो फुलफिल कर पाओगे। और अगर कोई भी आपके वीडियो में लेट्स से 100K व्यूज़ आ गए या फिर ज़्यादा व्यू आ गए, देन इट इज़ ओके, देन यू विल बी ऑन अ सेफर साइड। बट दिस इज़ द एनालिसिस बेसिकली यू नीड टू हैव फॉर यूट्यूब शॉर्ट्स इफ़ यू वॉन्टेड टू रियली मोनिटाइज योर यूट्यूब चैनल विद द शॉर्ट्स।
एंड अगेन उसके बाद अर्निंग एंड अदर स्टफ्स हाउ मच इट विल बी दैट इज अ सेपरेट थिंग. ओके सो इट इज नॉट दैट ईजी आई वुड से, बट या इट इज दैट इट इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट एज वेल, बट यू नीड टू बी कंसिस्टेंट इनफ टू गेट थ्रू दैट क्राइटेरिया. सो फॉर दिस वीडियो दैट्स इट एंड वी विल सी यू इन द न्यू वीडियो.